ओह, रियल टाइम माइलेज भी दिखा रहा है ये देखो। मुझे होंडा की एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है, ये देखो सीट अभी लॉक हो गई हैंडल लॉक के लिए, लेकिन आपको यहाँ से पुश करना होगा। इंडिया में स्कूटर की अगर बात की जाए तो एक्टिवा का नाम जो है सबसे ऊपर आता है। लोग होंडा एक्टिवा को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये स्कूटर जो है काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है और फीचर्स भी सेगमेंट में सबसे बेस्ट आपको प्रोवाइड कराता है। जैसे कि अभी अपने साथ में है होंडा एक्टिवा एच स्मार्ट। एच स्मार्ट का मतलब कीलेस एंट्री वाला, जो कि अभी 125 सीसी के सेगमेंट में इंडिया में कोई और हमको नहीं दे रहा है। यदि आप अपने लिए 125 सीसी के सेगमेंट में एक बेस्ट स्कूटर की तलाश कर रहे हो, बजट में आ जाए, रिलायबल हो, काफ़ी लंबे समय तक साथ निभाए, बजट ठीक ठाक हो, मेंटेनेंस कम हो, माइलेज ज़्यादा दे और हैवी लोड भी ले जा सके, तब आप इस स्कूटर की तरफ दे सकते हैं। और आज के स्टूडियो में आपको इस स्कूटर के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, डिटेल बैकग्राउंड करने वाला हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इसके स्कूटर की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कलर की। एक्टिवा में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे, जिसमें से अभी अपने साथ में इसका ये ब्लैक कलर है, जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम एंड रिच हमको फील करा रहा है। बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। इस स्कूटर का कर्व वेट है 109 kg। ये स्कूटर 109 किलो का है। इसमें ग्राउंड क्लियरेंस 162 mm का मिल जाता है और इसकी सीट हाइट है 712 mm की। इसकी लेंथ है 1850 mm की, विड्थ है 707 mm की, इसकी हाइट है 1170 mm की और इसमें व्हील बेस 1260 mm का मिलता है। आइए अब इसको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं, चारों तरफ से देख लेते हैं। ये है इस स्कूटर की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल। इसका राइट से लुक कुछ ऐसा है भाई। फ्रंट से प्रोफाइल इसकी कुछ ऐसी है, पास से दिखाता हूँ। ये देखिएगा, हेड हैंडल ORBM का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। हेड प्योर यहाँ पर अपन को ब्लैक कलर में मिल जाता है। हेडलाइट की अगर बात की जाए, रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप है। और मैं इसके इग्निशन को ऑन करता हूँ। ये देखो, इग्निशन के ऑन होते ही इसकी हेडलाइट ऑन हो जाती है। स्कूटर स्टार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसकी हेडलाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। इधर ये होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है, एरोडायनेमिक यहाँ पर ये डिज़ाइन दिया गया है। इधर ये स्मार्टली क्रोम का यूज़ किया गया है और इग्निशन के ऑन होते ही इसके DRL भी ऑन होते हैं। यहाँ पर DRL भी दिए गए हैं, ये देखो, देख रहे हैं, ये DRLs मिल जाते हैं। साइड टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब में दिए गए हैं। नंबर प्लेट लगाने का सेक्शन दिया गया है और ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये पूरा अपन को फाइबर में दिया गया है। बात कर लेते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन की। फ्रंट में कंपनी ने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हैं। फ्रंट मडगार्ड की अगर बात की जाए तो ये अपन को मेटल में मिल जाता है। एंड यहाँ पर ये देखो, ये प्लास्टिक में कंपनी ने प्रोडक्शन लगा कर दी है। इधर ये दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। फ्रंट में कंपनी ने 12 इंचेस का अलॉय व्हील दिया है, अलॉय ब्लैक कलर में है। MRF के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए हैं। फ्रंट टायर प्रोफाइल है 90-90-12 और फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की अपन को मिल जाती है। बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की। ये डिस्क में भी आती है, ड्रम में भी आती है। ड्रम में लोगे तो 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम, यदि डिस्क में लोगे तो 190 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा, जिसमें नेशन के कैलिपर्स मिलेंगे, CBS मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। इधर ये फाइबर में लगा कर दिया है। एंड यहाँ पर ये देखिए, पैरा रखने के लिए कुछ इतना स्पेस मिल जाता है। एंड बैटरी का कनेक्शन यहाँ नीचे से मिलता है एक्टिवा में। इधर ये देखो, स्टोरेज बॉक्स मिल जाता है, कुछ थोड़ा बहुत ही है। और यार ये थोड़ा सा लीकेज वाला है, ये देखो उसमें होल दिया गया है, नीचे से लाइट आ रही है, हो सकता है पानी यानी भर जाए, इस वजह से निकल जाए, इस वजह से दिया होगा डेफिनेटली। ठीक है, चलो अच्छी बात है। यहाँ पर ये हुक दिया गया है जो कि फोल्डेबल है। एंड नीचे भी हुक दिया गया है, ये भी फोल्डेबल है, फिक्स नहीं है, ये अच्छी बात है। एंड राइट साइड में इग्निशन दिया गया है। और भाई इस स्कूटर में कीलेस एंट्री मिलती है, ये देखो, ये रही इसकी की। ठीक है, ये तो यार इसमें लगी हुई है, ये देखो दो बटन इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आप स्कूटर से दूर जाओगे वैसे ये लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली हैंडल लॉक के लिए, लेकिन आपको यहाँ से पुश करना होगा। ठीक है, सीट और फ्यूल कैप आप यहाँ से ओपन कर सकती हो। मैं इग्निशन को ऑन अभी करता हूँ, पहले मैं आपको फीचर बटन दिखा देता हूँ। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है, लो बीम हाई बीम पासिंग, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, राइट हैंडल पर आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन, ठीक है, और सेल्फ का भी यही बटन है। इधर ये होंडा की ब्रांडिंग है। इग्निशन को मैं ऑन करता हूँ, हाँ ये देखो, इधर ये चाबी छपके आ गई, ये देखो इग्निशन ऑन कर दिया। मीटर की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से हुई। और इस स्कूटर में अपन को फुल्ली डिस्टेंस मीटर नहीं मिलता है, सेमी डिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। स्पीडोमीटर एनालॉग में है और यहाँ पर एक डिस्प्ले है जिसमें डिजिटल क्लॉक मिल जाती है।
ठीक है, ट्रिप मीटर मिलता है, रियल टाइम माइलेज देख सकते हो, ये देखो एवरेज देख सकते हो, रेंज देख सकते हो, ऑडोमीटर है, ट्रिप मीटर है, नीचे की तरफ फ्यूल गेज मिलता है और बाकी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर इधर उधर मिल जाते हैं अपन को, जैसे कि ये देखो, ठीक है। इसमें कोई भी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी अपन को नहीं मिलती है, जिसकी एक्सपेक्टेशन मुझे एक्टिवा से अब है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर मिलता है, सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है, पिलियन फुटपैड एल्युमिनियम में है, बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, एक्टिवा 125 की ब्रांडिंग है, एच स्मार्ट की इधर ये ब्रांडिंग की गई है। ये देखिए इसमें सिंगल सीट दी गई है, राइडर पिलियन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, ग्रेवरेल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ब्लैक कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस पर। ये पूरा पार्ट जो है मेटल में मिलता है, जो अच्छी बात है। इधर ये देखो ESP को मेंशन किया गया है, इनहेंस्ड स्मार्ट पावर। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इसकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे, इसके इंजन की इस स्कूटर में कंपनी ने दिया है 124cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 FI 4-stroke 2-valve इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 8.19 bhp की 6250 rpm पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.4 Nm का 5000 rpm पर। इसके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, पावर एंड टॉर्क का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा मिल जाता है एंड इसी के साथ साथ ये माइलेज भी ठीक ठाक निकल कर देता है। माइलेज और सर्विस के बारे में मैं आपको प्रॉपर आगे बताऊंगा। और इस स्कूटर में कोई भी किक स्टार्ट का फीचर अपन को नहीं मिलता है। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो ये देखो मल्टी स्टेप एडजस्टेबल है, हाइड्रोलिक सस्पेंशन है। रियर में बात की जाए तो रियर में अपन को 10 इंचेस का अलॉय व्हील मिलता है, जबकि फ्रंट में 12 इंचेस का है। ये और मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा इसका, रियर टायर प्रोफाइल है 90-110 और ये देखो रियर में भी MRF का ही ट्यूबलेस टायर है और रियर टायर में ग्रिप्स कुछ ऐसी है। रियर से प्रोफाइल इसकी कुछ इस तरीके की है। इधर ये देखो होंडा की ब्रांडिंग है, E20 का इधर ये स्टिकर लगा हुआ है, फ्यूल कैप इधर ये मिल जाता है, खुल के मैं आपको दिखाऊंगा। 5.3 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। ये देखो टेल लाइट, साइटन इंडिकेटर हैलोजन बल्ब में है, एक्टिवा 125 की ब्रांडिंग है और इधर ये रिफ्लेक्टर है। ये देखो टेल लाइट ही नंबर प्लेट लाइट का भी काम कर देती है और इस बाइक में रियर में भी 130mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। इधर ये देखो एक्टिवा 125 एच स्मार्ट की ब्रांडिंग, एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, सिंगल मफलर है, फैन इधर ये लगा हुआ है, पिलियन फुट पैड। चलो भाई मैं आपको इसका फ्यूल ओपन करके दिखाता हूँ, उसके लिए क्या करना होगा, सीट एंड फ्यूल पर जाना होगा। यहाँ से ये खोला, ये खुल जाएगा, फ्यूल डलवा लो आराम से, ये वाला पार्ट फाइबर का है, इसको ये बंद कर दो। सीट ओपन करता हूँ उसके लिए इधर, मुझे होंडा की एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है, ये देखो सीट अभी लॉक हो गई, एक बार में ही सीट ओपन हो जाती है, ऐसा नहीं है कि इसको दबाए रखो तब इसको खोलो। एक बार दबाया, देखो सीट खुल गई और इतना स्पेस अपन को मिल जाता है, हालांकि इसमें कोई भी लाइट नहीं मिलती है। देखो फर्स्ट एड किट है, टूल किट इधर ये पड़ी हुई है, स्पेस ठीक है, नॉर्मल साइज़ का हेलमेट आ जाएगा। बंद हो गई, चलो भाई अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। हो गया मीटर ऑन, ये लो स्टार्ट हो गया। इसमें साइलेंट स्टार्ट का फीचर मिलता है, इंजन साउंड सुनिएगा आइडियल कंडीशन पर, एग्जॉस्ट नोट थ्रॉटल देता हूँ, और स्पीडोमीटर का कनेक्शन जो है ये देखो, ओ रियल टाइम माइलेज भी दिखा रहा है। ये देखो भाई हम चल रहे हैं जैसे 40 की स्पीड पर, ठीक है, तो ये माइलेज देगा 63 दिखा रहा है अभी, तो 74 आ गया, 78 का माइलेज, बढ़िया गजब। अच्छा इसमें इंजन किल स्विच नहीं है, ठीक है, आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, यहाँ से ये बंद होगा, ठीक है भाई। लॉक करने के लिए इधर ये जाओ और ये लॉक हो गया, ठीक है, और अनलॉक करने के लिए चाबी पास में होगी तो आप इसको कर सकते हो। ये सारे फीचर अपन को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इस स्कूटर के प्राइस, माइलेज, सर्विस, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। गाइस होंडा कंपनी अपने इस नए स्कूटर पर 3 साल और 36,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए लगभग ये आपको 45 के आसपास निकल कर दे देगा,
पे डिपेंड करता है स्कूटर कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो भाई इसमें मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं। ये ड्रम में आता है, ड्रम के साथ में अलॉय में मिल जाएगा आपको एंड डिस्क में मिल जाएगा, और ये इसका एच स्मार्ट वेरिएंट। इसकी एक्स शोरूम शुरुआत हो जाती है 81,000 से, बेस वेरिएंट से 81,000 रुपये, ठीक है। और ये इसका सबसे टॉप एंड वेरिएंट है एच स्मार्ट वाला, ठीक है, जिसमें आपको डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 90,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये आपको लगभग 1,07,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा, 1,07,000 प्राइस का आपके बल रहा फाइड ही मानिएगा, क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है, प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। आइए बात कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन की। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोज की। भाई एक्टिवा का नाम जो है ये इसके प्रोज में ही जाता है, लोग स्कूटर बोले तो एक्टिवा बोलते हैं, ठीक है। फुल LED हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है, DRLs मिल जाते हैं एंड इसमें डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, ट्यूबलेस टायर इसमें मिल जाते हैं, एच स्पार्ट का फीचर इसमें मिल जाता है, सेमी डिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, ठीक है, कीलेस एंट्री मिल जाती है, बूट में भी ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है और भी बहुत कुछ। कौन की अगर बात की जाए, भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई एक्टिवा में फुली डिजिटल मीटर यार होना चाहिए था, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी, 1,000 लाइट का फीचर होना चाहिए था, टेल लाइट भी LED में होती। अब मैं उम्मीद करता हूँ इस स्कूटर से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। इस स्कूटर से संबंधित आपकी क्या राय है, आपका क्या पुराना एक्सपीरियंस है एक्टिवा से संबंधित या फिर होंडा से संबंधित, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि आप इस सेगमेंट में किसी और स्कूटर के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो सभी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप इस स्कूटर के साथ में किसी भी स्कूटर का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मेरे फाइनल बजट की अगर बात की जाए, ओवरऑल जो कंपनी पैकेज दे रही है उसके अकॉर्डिंग स्कूटर मैं आपको 100% रिकमेंड करता हूं। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, फटाफट से लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम एंड FB पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियो, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियो, समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।